Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalinder. Friends, in today's video lecture, I'm going to discuss with you UGC NET June 2013, paper 3rd, Sociology. Let's start from question number 1. Arrange in the logical order in which Peter Berger has explained. Take your time. Correct answer is habitualization, institutionalization, legitimation, externalization. Peter Berger, Austrian born American sociologist थे, उनका बहुत famous book है, The Social Construction of Reality, जो 1966 में आया है. तो इन्होंने कहा है इस book में, जो society में जो reality है, वह क्या है? वह अपने आप में कुछ भी नहीं है, वह society ने create की, construct की है. तो उन्होंने एक लॉजिकल ऑर्डर दिया है कि हैबिचुअलाइजेशन, किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो रिसिप्रोकल रोल प्ले हो जाता है. फॉर एग्जांपल, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी बोले जा रहा है और दूसरा आदमी उसको खाली देख रहा है, नहीं, तो दोनों तरफ से एक्टिविटीज होती है, हैबिचुअलाइजेशन, फिर उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, लेजिटिमेशन और एक्सटर्नलाइजेशन होता है. हीले शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है मैंने, तो इसको भी आप याद रखिए. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी प्लेस्ड इन अल्थुसर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3. अल्थुसर कौन थे? अल्थुसर फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे. तो मार्क्स क्या कहता था? मार्क्स कहता था कि जो स्टेट है, स्टेट लोगों को कंट्रोल करता है, और स्टेट किसका हस्तक है? तो स्टेट जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनका प्रोटेक्शन करने के लिए स्टेट है, या ऐसा मार्क्स कहते थे. तो अल्थुसर कहते हैं कि यस, रिप्रेसिव स्टेट अपेरेस है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें पुलिस है, आर्मीज है, कोर्ट्स है और प्रिजन है. और इसके साथ साथ उन्होंने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस बताया है, जिसमें एजुकेशन, फैमिली और रिलीजन है. फॉर एग्जांपल, एजुकेशन में जैसे अपने कंट्री में डेमोक्रेसी है, अपने एजुकेशन सिस्टम में डेमोक्रेसी को किस तरह से प्रोटेक्ट और प्रमोट करना चाहिए, यह हमको सिखाया जाता है. डेमोक्रेसी किस तरह से अच्छी है, यह चीज़ें हमको एजुकेशन के थ्रू सिखाई जाती है. फैमिली और रिलीजन, फैमिली में क्या होता है? अपना सोशलाइजेशन होता है. सोशलाइजेशन में सोसाइटी में किस तरह से हमको काम करना है, रूल्स एंड नॉर्म्स किस तरह से फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हमको फैमिली में सिखाई जाती है. रिलीजन में भी हमको जो अच्छी चीज़ है, जो नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, उसको फॉलो करना है, ये सिखाया जाता है. तो अल्थुसर कहते हैं कि ये जो चीज़ें है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, ये भी सोसाइटी को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज्ड बाय हेरोल्ड गारफिंकल इन हिज एक्सपोजिशन ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी. हेरोल्ड गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए कौन से मेथड यूज किए? टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4. हेरोल्ड गारफिंकल अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी भी कहा जाता है. ये पॉइंट नोट कीजिए. तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेथड, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, रिसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एटसेट्रा प्रिंसिपल, ये सारे मेथड उन्होंने बताए हैं एथनोमेथोडोलॉजी में. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस आर स्टेटेड बाय जे हैबरमास. जे हैबरमास एक जर्मन फिलोसोफर, क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल में यह इंक्लूड होते हैं. तो जर्मन हैबरमास ने कुछ क्राइसिस बताए, तो वो कौन से है? टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इकोनॉमिक क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस एंड रैशनैलिटी क्राइसिस. तो उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं बताए थे. तो उनका बहुत ही फेमस दो थ्योरीज है, एक है पब्लिक स्पेयर और दूसरा है कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी. बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी एंड पब्लिक स्पेयर. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर नॉट रिटन बाय
यफ गोफमन, ये क्वेश्चन गलत आया था उस टाइम पे, तो यफ गोफमन नहीं है, इरविन गोफमन है। तो इरविन, ये जो बुक है रिलेशन इन पब्लिक 1971, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस 1963, फॉर्म्स ऑफ टॉक 1981, ये सारे बुक्स इरविन गोफमन ने लिखे हैं। सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स, ये जी सी होमान्स ने लिखा है। तो यहाँ पे इरविन गोफमन ने कौन से बुक लिखे नहीं है, यह क्वेश्चन था। क्वेश्चन ही उन्होंने गलत फ्रेम किया था। क्वेश्चन नंबर 6, टू एंथनी गिडिंस सॉक्रल थ्योराइजिंग इन्वॉल्व्स। एंथनी गिडिंस के हिसाब से सॉक्रल यानी कि सैक्रेड थ्योराइजिंग इन्वॉल्व्स है, किसमें टेक अ टाइम। द करेक्ट आंसर इज डबल हार्मोनिटिक। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेस थ्री कंपोनेंट ऑफ लाइफ वर्ड। किसने लाइफ वर्ड के थ्री कंपोनेंट बताए हैं, वह कल्चर, सोसाइटी एंड पर्सनैलिटी। टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज जे हैबरमास। जे हैबरमास कहते हैं लाइफ वर्ड इज अ माइक्रो वर्ल्ड वेयर पीपल इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट। लाइफ वर्ड एक ऐसा माइक्रो वर्ल्ड है, वहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो लाइफ वर्ल्ड में बेसिकली वैल्यूज, बिलीफ, मिथ्स एंड ड्रीम्स इंक्लूड हो जाते हैं। इनका और एक फेमस थ्योरी है कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कॉलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, तो इसमें यह कहते हैं इन मॉडर्न वर्ल्ड द सिस्टम हैज कम टू कॉलोनाइज द लाइफ वर्ल्ड दैट इज टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर इट। मॉडर्न समय में, आज के टाइम पे जो सिस्टम है, सिस्टम में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट आता है, ब्यूरोक्रेसी आता है, इकोनॉमी आता है, तो ये क्या कर रहे हैं, लाइफ वर्ड जो है कल्चर, वैल्यूज, मिथ, बिलीफ, सोसाइटी, पर्सनैलिटी, इसको कंट्रोल कर रहा है, कॉलोनाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन हो या सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर हो, बैन ऑन जॉलीकोटू एंड द यांदी ह्यूमन पिरामिड, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, कॉलोनाइज कर रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गिडिंस कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलाइजेशन इम्प्लाइज दैट। गिडिंस का जो कॉन्सेप्ट है रीजनलाइजेशन का, वह क्या क्या इम्प्लाई करता है। टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द रिप्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस नॉट ओनली अक्रॉस टाइम बट ऑल्सो स्पेस। गिडिंस एक इंग्लिश सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही फेमस थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चुरेशन। उनका और इम्पॉर्टेंट बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 9, इन डिफाइनिंग नेशनलिज्म ए आर देसाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। नेशनलिज्म को डिफाइन करते टाइम पे ए आर देसाई किन से इन्फ्लुएंस्ड थे। टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज ई एच कार। यार देसाई मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रखते थे और ई एच कार जो है वो इंग्लिश हिस्टोरियन है। इनका फेमस बुक है नेशनलिज्म एंड आफ्टर। नेशनलिज्म एंड आफ्टर किसका बुक है, ई एच कार का। क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रीब्यूटर एंड अप्रोचेस। टेक योर टाइम। ये क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी के बारे में इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट, जो स्टेटमेंट है जो डीपी मुखर्जी के बारे में गलत है। टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डीपी मुखर्जी एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रखने वाले थे, तो उन्होंने यूजेस द डायलेक्टिकल अप्रोच। डायलेक्टिकल अप्रोच उन्होंने यूज किया है। ही कंबाइन मार्क्स एंड डिलेज एंड वेदांतास अप्रोच, ये भी करेक्ट है।
ट्रेडिशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये भी करेक्ट है. मॉडर्निटी कैन बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेडिशन, मॉडर्निटी को समझने के लिए ट्रेडिशन को समझने की जरूरी नहीं है. यह तो गलत है क्योंकि उन्होंने मॉडर्निटी जो है वो ट्रेडिशन के विदाउट ट्रेडिशन मॉडर्निटी को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते है. इनकी यह धारणा थी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है. तो यहाँ पे अगर ऐसा होता मॉडर्निटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेडिशन तो गलत सही हो जाता था. डीपी प्रिफर्ड टू कॉल हिमसेल्फ मार्क्सोलॉजिस्ट रेदर देन मार्क्सिस्ट, उनको खुद को मार्क्सोलॉजिस्ट कहने में अधिक रुचि थी शिवाय मार्क्सिस्ट के. क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ट्रेडिशनली एसोसिएटेड, टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज सी, हाई फर्टिलिटी, हाई मॉर्टेलिटी टू लो मॉर्टेलिटी एंड लो फर्टिलिटी द लेटर लैगिंग बिहाइंड. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है तो ट्रेडिशनली एसोसिएट किससे है, तो क्या होता था स्टार्ट के टाइम पे पहले ज़माने में फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था तो और मॉर्टेलिटी रेट भी, बच्चे बहुत ज़्यादा मरते भी थे. फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद मॉर्टेलिटी कम हो गई और फर्टिलिटी भी कम हो गई, क्या क्योंकि लेट मैरिजेस वगैरह ये जो चीज़ें है ये होती थी. और फिर द लेटर लैगिंग बिहाइंड. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डज नॉट फिगर इन मालथसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेबल पॉपुलेशन. देखो मालथस ने जो थ्योरी दिया है बहुत ही फेमस थ्योरी है इनका. इनका जो थ्योरी है ना केवल सोशोलॉजी में पढ़ा जाता है और डेमोग्राफी में, बट पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमी में, हर सब्जेक्ट में इनका थ्योरी पढ़ा जाता है. तो इनका उन्होंने एक बुक लिखा था, यह इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखा था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. इस बुक में उन्होंने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दिया था. थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले कहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फूड सप्लाई, जो फूड जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से फूड ग्रो हो रहा है. और फिर उन्होंने बताया पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, भूमितीय गति से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 इस तरह से. तो फिर क्या हो रहा है, डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई. पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है और फूड सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो फिर क्या होगा, फिर क्लैशेस होगी, पॉवर्टी आएगी. तो फिर उन्होंने कहा है प्रिवेंटिव चेक जो है वह इम्पोर्टेंट है. तो ये पॉवर्टी है, क्लैशेस है, ये रोकने के लिए प्रिवेंटिव चेक उन्होंने कुछ बताया है, यानी कि डिलेड मैरिज, सिलेबसी, ब्रह्मचार्य रखना, मैरिज लेट करना, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना, बर्थ कंट्रोल, ये प्रिवेंटिव चेक्स है. प्रिवेंटिव चेक्स को उन्होंने अच्छा कहा है. और फिर प्रिवेंटिव चेक के बाद क्या है, अगर प्रिवेंटिव चेक से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर पॉजिटिव चेक आ जाते हैं, यानी कि वार, फेमाइन, प्लेग, इस सारी चीज़ों को उन्होंने पॉजिटिव चेक कहा है. ये जो चीज़ें हैं यह पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है ऐसा यह मानते हैं. जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ये भी क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा अकॉर्डिंग टू मालथस है. तो फिर लास्ट में वह बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉवर्टी. फिर क्या हो जाता है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो पॉवर्टी आ जाती है. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे लिस्ट आपको मैच करनी है. क्रूड रेट,
टेक योर टाइम. करेक्ट ऑप्शन ये है इसका. क्रूड रेट देखते हैं आप क्या होता है. क्रूड रेट, रेट ऑफ एनी डेमोग्राफिक इवेंट कंप्यूटेड फॉर एन एंटायर पॉपुलेशन. जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है. द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वीमेन इन 15 to 44 और 15 to 49 ईयर्स इन अ गिवन ईयर. इसको जनरल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं. इन्फंट मॉर्टेलिटी क्या होता है. द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज अंडर एज 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर. और लास्ट में बर्थ रेट है. द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर. क्वेश्चन नंबर 15. पॉपुलेशन पिरामिड रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. पॉपुलेशन पिरामिड से कौन सी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑल ए बी सी डी. पॉपुलेशन पिरामिड से क्या होता है. डिपेंडेंसी बर्डन जो है वह हमें पता लगता है. फिर बर्थ एंड डेथ रेट, सेक्स रेशियो ऑफ डिफरेंट एजेस, अप्रॉक्सीमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों का हमको पॉपुलेशन पिरामिड से पता चलता है. क्वेश्चन नंबर 16. बुक्स एंड ऑथर्स मैच द लिस्ट. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपल, ए बोस ने ये बुक लिखा है. जेंडर इनइक्वलिटीज एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर, यस देसाई ने लिखा है. यस से ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, अभी हमने देखा है. थॉमस माल्थस ने लिखा है. रेगुलेटरी रिप्रोडक्शन इन इंडियाज पॉपुलेशन, यह के श्रीनिवासन ने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और एक्सप्लेनेशन है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. डेवियंस नॉन कन्फॉर्मिटी क्राइम एक्ट दैट कॉन्ट्रावेंड द लॉ. एनोमाई लैक ऑफ सोशल नॉर्म. अलाइनेशन सेल्फ इस्ट्रेंजमेंट. देखो ये दो जो कॉन्सेप्ट है एनोमाई और अलाइनेशन, इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. एनोमाई क्या होता है. एनोमाई लैक ऑफ सोशल नॉर्म, जब समाज में कोई नॉर्म्स ही नहीं रहते तो क्या होता है, एनोमाई होता है. और अलाइनेशन क्या है, सेल्फ इस्ट्रेंजमेंट. अलाइनेशन का मतलब है सेल्फ इस्ट्रेंजमेंट, यानी कि खुद से ही अलाइनेट आदमी जब हो जाता है समाज से तो हो ही जाता है, फैमिली से हो जाता है, फ्रेंड से होता है, और खुद से भी जब वह अलाइनेट होता है, इस्ट्रेंजमेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अलाइनेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ रिस्क सोसाइटी. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. उल्रिच बेक. उल्रिच बेक एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे. तो उन्होंने और एंथनी गिडेंस ने, दोनों ने मिलकर 1980 में यह रिस्क सोसाइटी जो टर्म है वह लाया है. रिस्क सोसाइटी क्या है. रिस्क सोसाइटी है, उल्रिच बेक कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है और डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, तो उसके बाद समाज में एक लोगों के बीच में डर है कि क्या हो जाएगा आगे. जैसे कि ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया हो या एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है, तो कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं पे अर्थक्वेक हो जा रहा है, तो कहीं पे आग लगने से कारण बहुत हज़ारों लोग मर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है बहुत बड़े तौर पे, रेडियो एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे न्यूक्लियर स्पोर्ट हो जाता है. तो आज के टाइम पे क्या है, सब टेंशन में है. आज के टाइम पे सबको एक डर है कि आगे क्या होगा, रिस्क है. जिंदगी जीने में ही एक रिस्क है आज के समय में, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ है, लेकिन फिर भी जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वह बहुत ही खतरनाक है. तो यह जो है रिस्क
किसी एक देश के लिए नहीं है। समझो यूएसए ने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन किया है, तो उसका अफेक्ट खाली यूएस को नहीं होगा, तो उसका अफेक्ट पूरे वर्ल्ड को होगा। यूनिवर्सलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, उन्होंने बताया कि रिस्क जो है यूनिवर्सल है, उसके परिणाम हर देश को भुगतने पड़ेंगे। तो बहुत ही फेमस थ्योरी है उल्रिक बेक की। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन एंड रीजन है, इकोलॉजी मूवमेंट और इमर्जिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्सेस एंड पीपल्स राइट टू सर्वाइवल, करेक्ट है। इकोलॉजी का जो मूवमेंट है वह कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होने से, और पीपल्स राइट टू सर्वाइवल, लोगों का जो सर्वाइवल करने का जो राइट है उसको लेकर ही इकोलॉजी का मूवमेंट शुरू हुआ है, करेक्ट है। रीजन क्या है उसका, पॉपुलेशन इंक्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। टेक योर टाइम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पॉपुलेशन इंक्रीज तो करेक्ट है, बट खाली पॉपुलेशन इंक्रीज से ही एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, ये तो गलत है। एनवायरनमेंट मूवमेंट पॉपुलेशन इंक्रीज से शुरू हुआ है, ये सरासर गलत है, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी के मदद से, वहाँ पे बड़े बड़े इक्विपमेंट की मदद से वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, टॉलकॉट पार्सन्स हैव मेंशन्ड पिलर्स ऑफ द सीको रोल फॉर द पेशेंट। टॉलकॉट पार्सन ने सीको रोल के कुछ पिलर्स मेंशन किए हैं पेशेंट के लिए। टेक योर टाइम, करेक्ट ऑप्शन इज सी। टारगेट पर्सन बताते हैं, सिक पर्सन इज नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग सिक, जो बीमार आदमी है वो खुद जिम्मेदार उसके लिए नहीं होता है बीमार होने के लिए, करेक्ट है। पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर सिकनेस, ये तो गलत है, कोई आदमी बीमार होने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सिक पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सर्टन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, बराबर जो सिक पर्सन है उनको कुछ राइट्स मिलते हैं और प्रिविलेज भी मिलते हैं। अगर आप बीमार हो तो आप घर में सब लोग आपकी हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स आपको ट्रीट करते हैं। द सिक पर्सन मस्ट वर्क टू रिगेन हेल्थ बाय कंसल्टिंग ए डॉक्टर, सिक पर्सन ने अपनी हेल्थ वापस लाने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव बीन टेकिंग प्लेस रैपिडली, करेक्ट है। इट हैज बीन ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ये इज करेक्ट एंड आर इज इट्स रीजन। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है, क्यों होती जा रही है, क्योंकि जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, इनका कन्वर्जेंस हुआ है, इसीलिए टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट फेवर हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का हायरार्काइजेशन किसने फेवर नहीं किया। टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज माइकल फूको, दुर्खिम, कॉम्चे और वेबर, इन्होंने नॉलेज का हायरार्काइजेशन जो है इनके ये फेवर में थे, बट माइकल फूको इनके फेवर में नहीं थे। कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्सेप्ट एंड ऑथर से। टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्सुअलिटी माइकल फूको ने दिया है। रिस्क सोसाइटी अभी हमने देखा है
उल्रिक बेक ने दिए, कम्युनिकेटिव एक्शन अभी जो मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी सेकंड सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, कम्युनिकेटिव एक्शन जे हेबरमास ने दिया था, हाइपर रियलिटी जे बॉडरी लॉर्ड ने। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में एक दो ये क्वेश्चन इसके ऊपर आते ही है। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट सीज कंटेम्प्ररी सोसाइटी एज अ डेथ कल्चर विथ डेथ बीइंग द पैराडाइम ऑफ ऑल सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये कोटेशन किसने दिया है, ये क्यों था? द करेक्ट आंसर इज जे बॉडरी लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट स्पेसिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेवलपमेंट बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट 1995। टेक योर टाइम। 1995 का वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट जो है उसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है? तो करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, यह उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। पीपल्स एम्पावरमेंट उसका ऑब्जेक्टिव था, फिर पीपल्स इनिशिएटिव, स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ पीपल, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।